non-aligned party? You're not aligned with anybody? Have you said that anywhere? If you're not aligned, then why are you buying all kinds of junk from Russia? Why are you trading in rupee, ruble without going through the exchange rates? There are so many things, you see. Are you for China or against China? You go to meetings where Chinese are. Now the Chinese are not coming anymore. But there was a time when you went and are meeting. आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में एक चौंकाने वाले मोड़ की। पूर्व सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट ना देने वाले राष्ट्रपति मतदाताओं का समर्थन किया, क्योंकि मोदी ने चीन को लद्दाख में भारतीय भूमि हथियाने की इजाजत दे दी। आइए इस विषय को और गहराई से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी ने झूठ के लद्दाखियों को भेड़ चराने से वंचित कर दिया है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से विपक्षी उम्मीदवारों को वोट देने का आह्वान किया। स्वामी का दावा है कि चीन ने अप्रैल 2020 में लद्दाख के 4064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और मोदी ने कहा है कि कोई आया नहीं। आपको बता दें कि ये सब मोदी और स्वामी के बीच लद्दाख में चीन की घुसपैठ को लेकर तनाव का परिणाम है। हाल के महीनों में भारत और चीन के बीच सीमा पर झड़पें हुई हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। स्वामी का समर्थन इस बात का संकेत है कि भाजपा के भीतर भी मोदी सरकार से असंतोष पनप रहा। स्वामी के दावे विवादित हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि वह मोदी को कमजोर करने के लिए जानबूझकर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। अन्य का मानना है कि वह भारतीय संप्रभुता के लिए एक वास्तविक चिंता व्यक्त कर रहे हैं। स्वामी की आलोचनाओं का असर भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर पड़ सकता है। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी का प्रधानमंत्री मोदी का विरोध लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर बढ़ते तनाव का एक लक्षण। उनके दावे विवादित हैं, लेकिन ये भी कथित तौर पर सच है कि चीन ने अप्रैल 2020 में लद्दाख के 4064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और इसी बीच भारत और चीन के बीच सीमा पर हाल के महीनों में झड़पें हुई, जिसके बाद स्वामी ने आरोप लगाया है कि मोदी ने चीन की भारतीय भूमि हथियाने की अनुमति दी है और झूठ बोला है कि कोई आया नहीं। इसके अलावा 2017 में डोकलाम पठार पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। उसके बाद 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे और लद्दाख में मौजूदा गतिरोध कई महीनों से जारी है। ऐसे में स्वामी के दावे भाजपा के चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि सुब्रमण्यम स्वामी का प्रधानमंत्री मोदी का विरोध लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर बढ़ते तनाव का एक लक्षण। उनके दावे विवादित हैं, लेकिन वे भाजपा के भीतर असंतोष का संकेत देते हैं। यह देखा जाना बाकी है कि स्वामी की आलोचनाओं का भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और उसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।